हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर के आए हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ अपनी सिचुएशन को फोकस में रखते हुए आप इस गाइडेंस को लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ बताइए। टॉरस वृषभ राशि, हाय क्रिस्टस, एस ऑफ वॉन्ट, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके टॉरस, माय डियर टॉरस, आप लोग मे बी इस समय किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, कि नहीं दो सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कि नहीं दो सिचुएशन में स्टक हैं, बीच का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर मनी को लेकर के, फैमिली को लेकर के, कह सकते हैं करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में। इश्यूज चाहे कुछ भी हैं, यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, आप लोगों को या तो कुछ आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर फैमिली सपोर्ट नहीं पूरी तरीके से मिल रहा है, और आप लोगों का ना कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो हो रहा है। आप लोगों के अंदर का जो जज्बा है, जो फायर है, वो कम पड़ रही है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जो अंदर एक फायर होनी चाहिए, जो एक जज्बा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लो हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर के उस जज्बे को दोबारा से बाहर लेकर के आना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर इस सिचुएशन से ना थोड़ा सा बच रहे हैं। विद दिस सेवन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर थोड़ा सा डिसहोनेस्टी वाली एनर्जीज आ रही हैं, कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, आप खुद पूरी तरह से क्लियर नहीं है, या खुद पूरी तरीके से आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उस चीज़ों को लेकर के बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपने अंदर की पहले तो उस फायर को आपको जगाना है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आप लोग ना जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते डालते थक गए हो, या फिर किसी चीज़ का वेट, मैं कहूँगी आउटकम का वेट करते करते ना अब आप थक गए हो। आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन में देख रही हूँ, वो इरिटेशन में आते हुए देख रही हूँ। अब आप चाहते हैं कि चीज़ों के रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएं, क्योंकि जो आपने मेहनत पहले करी है खूब, अब वो आपको जब आगे से रिवर्ट उसका नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से वो ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही है, आउटकम उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने ही काम पर, या फिर अपने पर, अपनी मेहनत पर, अपने कॉन्फिडेंस पर डाउट्स, एक होता है ना कि सवाल खड़े हो जाने कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही चीज़ है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं बस आप एक कंप्लीशन मोड पे ही हैं, आपके आपको वो रिवर्ट मिलने ही वाला है।
ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा यही बता रही है, बस आपको ऑनेस्टी के साथ उस कार्य को करते रहना है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है, अपने अंदर डाउट्स क्लियर डाउट्स नहीं लाने हैं, ठीक है, और अपने अंदर की वो जो फायर है ना उसको कम नहीं होने देना है, उस ऊर्जा को कम नहीं होने देना है, जिस शिद्दत से आप काम करते जा रहे हैं, ठीक है, उस शिद्दत से उस काम को करते रहिए, ठीक है, जिस भी चीज़ का आप अपनी लाइफ में इस समय वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पूरी हो रही हैं, या वो चीज़ें उस तरीके से आपको नहीं मिल रही हैं, उतना रिवर्ट आपको नहीं मिल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं जो आपका है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपना कर्म करते रहो, और अपने पर और सिचुएशन पर डाउट मत करो, और अपने आप को या फिर ईश्वर को या फिर सिचुएशन को ना नेगेटिव मत बोलो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, ठीक है, अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, परिवार का साथ लेकर के अगर आगे बढ़ोगे तो आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगी, और मैच्योरिटी के साथ ग्राउंडेड हो करके अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो करके अगर आप डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे और आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप वो सब चीज़ें कर रहे हो फिर भी अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि वो एक कंप्लीशन होने वाला है आपकी लाइफ में, मैं कहूँगी वो हैप्पी फेज आने वाला है, एंट्री करने वाला है, बस थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, उसे कायम रखने की ज़रूरत है, और अपनी पॉजिटिविटी में भी रहने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, ठीक है, कोई एक न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला हो, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिए, अपने ऊपर डाउट्स मत कीजिए, अगर छोटी छोटी कुछ दिक्कतें अगर आ भी रही हैं, रुकावटें आ भी रही हैं, उनसे अपने ऊपर डाउट मत कर लीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं होती हो सकती है, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं। देख लेते हैं फेयरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। टॉरस वृषभ राशि जर्नी, तो डेफिनेटली अभी मैंने पहले भी एक रीडिंग करी है उसमें भी यही कार्ड निकला था, तो आपके लिए भी यहाँ पर जर्नी का कार्ड है, आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए इस वक्त, और सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कीजिए, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी एक नई जर्नी के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी ऊर्जा है, देख रहे हैं आप, वर्ल्ड की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट हो, एकदम से भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े, रिलोकेट करना पड़े, या ट्रांसफ़र हो सकता है आपका कोई नई जॉब के लिए, आपको कहीं बाहर जाना पड़े, कुछ भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है, और अपने पासपोर्ट्स वगैरह को पैक करके रखिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड की ऊर्जा है, तो कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक। एक और देख लेते हैं मैसेज, टॉरस वृषभ राशि फेयरिस क्या कहना चाहते हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। तो आपको यहाँ पर फेरिस यही बोल रहे हैं कि ऊपर से दिखना वो एक बाहरी खूबसूरती, ऊपर से खूबसूरत दिखना वो एक बाहरी खूबसूरती होती है, जो सच्ची ब्यूटी है, जो सच्ची सुंदरता है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर से बाहर रिफ्लेक्ट होती है, और आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो ट्रू ब्यूटी है ना, आपके अंदर की जो टैलेंट्स है, आपके अंदर की जो खूबसूरती है, आपके अंदर की जो इनोसेंस है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे बाहर लेकर के आइए, उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, आपके अंदर भी एक एंजल है, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रही, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं,
आप भी डिवाइन के ही चाइल्ड है, बस उस प्योरिटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फिर देखिए वो रिफ्लेक्शन आपकी फिजिकल रियलिटी में आपको वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो डिविनिटी हमारी लाइफ में भी टैप इन कर जाती है और वो हमें फिजिकल रियलिटी में भी दिखाई देती है। तो उससे हमें क्या होता है, हम अपनी लाइफ में वो मटीरियलिस्टिक अबंडेंस भी अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको अंदर से शाइन करना है, समझ रहे हैं आप? तो अंदर की जो आपकी खूबसूरती है, जो आपका पेशेंस है, जो आपकी कामनेस है, जो आपका इनोसेंस है, उससे कनेक्ट रहिए। अपने अंदर की पॉजिटिविटी से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, अपनी जो आपकी अंतरात्मा है उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बिल्कुल करेक्ट आपको गाइड कर रही है, बस उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। ये जो भी चीज़ है, ये जो भी अबंडेंस है, ये जो भी खुशियाँ हैं और ये जो भी साइकिल आपका क्लोज है हो रहा है, माय डियर, आप उसके काबिल हैं और ये गिफ्ट आपको मिलकर ही रहेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उसके लिए अपने आप को ओपन करके रखिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको, इरिटेट नहीं होना है आपको, डाउट्स नहीं लाने हैं आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? तो यस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।